हेलो स्टूडेंट्स, तो करते हैं रिमार्क का जो पेज नंबर 83 पे फर्स्ट रिमार्क गिवन है कि W1 एंड W2 बोथ आर कंटेन इन लीनियर सम W1 एंड W2 का, दैट इज W1 प्लस W2 एंड इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग W1 एंड W2। दैट मीन्स आपके पास जो W1 प्लस W2 जो लीनियर सम होता है, ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है जो दोनों को कंटेन करेगा W1 एंड W2 ऑफ वेक्टर स्पेस V का। सेकेंड रिमार्क कि अगर W1 प्लस W2 इक्वल टू अगर W1 इफ़ एंड ओनली इफ W2 सबस्पेस है W1 का, देन W1 प्लस W2 दोनों W1 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, वो आगे करेंगे। तो डेफिनेशन देख लो 10th, डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। लेट ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेट टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 डिनोटेड बाय W1 सर्कल के अंदर प्लस का साइन है W2। इफ एवरी वैक्टर वी बिलोंग टू वी कैपिटल वी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसड एज वी इज इक्वल टू U1 प्लस U2 वेयर U1 बिलोंग टू W1 एंड U2 बिलोंग टू W2। दैट इज हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई वैक्टर स्पेस है वी ओवर द फील्ड एफ, उस वैक्टर स्पेस को हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट सम में दो सब स्पेसिस का W1 एंड W2 इफ एंड ओनली इफ अगर उस वेक्टर स्पेस V का हर एक एलिमेंट लिखा जाए यूनिक वे से V इज इक्वल टू U1 प्लस U2 वेयर U1 फर्स्ट सब स्पेस में से उठाना है और U2 सेकेंड सब स्पेस में से उठाना है। ठीक है, तो नोट V को हम डायरेक्ट सम कहेंगे। अगर V आपके पास डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, वो इंप्लाई करता है कि वो लीनियर सम पक्का होगा, बट लीनियर सम डज नॉट इंप्लाइज कि वो डायरेक्ट सम होगा। ठीक है, वो आगे कंडीशंस करेंगे कि क्या कंडीशंस होती है कि लीनियर सम डायरेक्ट सम के इक्वल नहीं होता। तो उससे पहले डेफिनेशंस करते हैं। एग्जांपल जो 11th डेफिनेशंस है कि कंप्लीमेंट्री सबस्पेसेस क्या होते हैं। देखो, हमारे पास कोई वी वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं और V है वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, देन W1 को हम कहेंगे कि वो कम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है W2 का, W2 को कहेंगे कम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है W1 का। तो एनी टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F आर सेट टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ एवरी वेक्टर V बिलोंग टू कैपिटल V कैन बी रिटन एज इन वन एंड ओनली वन वे कि V इज इक्वल टू U1 प्लस U2 वेयर U1 बिलोंग टू कैपिटल W1 एंड U2 बिलोंग टू कैपिटल W2। दैट इज V को हम लिख पाएँ डायरेक्ट सम ऑफ W1 और W2 का, देन दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इन V2 ओवर R W1 इज जनरेटेड या स्पेन बाय ए वेक्टर 1 0 एंड W2 इज जनरेटेड बाय या स्पेन बाय वेक्टर 0 1 आर टू सबस्पेसिस ऑफ V2 ओवर R, देन एनी वेक्टर V2 ओवर R एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे XY टाइप के। तो एनी वेक्टर जो होगा V2 ओवर R वो XY के फॉर्म का होगा। इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज ओनली वन एंड ओनली वन में से कि X0 और Y0, फर्स्ट में से X बाहर निकल गया है 1 0 हो जाएगा, ठीक, और सेकंड में से Y निकल के आएगा 0 1। तो दैट मीन्स X0 बिलोंग टू W1, 0 Y बिलोंग टू W2। तो V2 ओवर R इज इक्वल टू W1 प्लस ओवर सर्कल W2, दैट मीन्स V2 लिखा गया दोनों के लिए इन कॉम्बिनेशन से, दैट मीन्स ये डायरेक्ट सम फॉर्म कर दिया इसने। तो W1 एंड W2 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसिस हो गए। सेम वैसे एग्जाम्पल सेकेंड है कि V3 ओवर R आपके पास वेक्टर स्पेस गिवन है जिसके अंदर ट्रिपलेट एलिमेंट्स होंगे, ठीक। लेट W1 बी द YZ प्लेन है एंड W2 बी द
एक्सिस एक्स एक्सिस है, दैट इज डब्ल्यू वाई जेड प्लेन है, तो उसके अंदर एक्स जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो डब्ल्यू वन किस टाइप का होगा, जीरो, वाई और जेड, वाई और जेड रियल नंबर होंगे, और डब्ल्यू टू ओनली एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस आपके पास आएगा, वाई और जेड दोनों जीरो होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स जीरो जीरो एक्स बिलोंग टू आर। देन वी थ्री के अंदर हर एक एलिमेंट एक्स वाई जेड टाइप का होगा, ठीक है, ट्रिपलेट बिलोंग टू वी थ्री ओवर कैन बी रिटन एज यूनिक वे से कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो वाई जेड प्लस एक्स जीरो जीरो लिख सकते हैं। दैट मीन्स वेयर जो जीरो वाई जेड है वो डब्ल्यू वन में से उठाया, एक्स जीरो जीरो डब्ल्यू टू में से उठाया, तो वी थ्री इज इक्वल टू डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू टू, हैंस डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसिस हो गए। फिर आपके पास थर्ड कि इन वी थ्री ओवर आर लेट डब्ल्यू वन हमने उठाया एक्स वाई जीरो, ठीक, एक्स और वाई बिलोंग टू रियल, डब्ल्यू टू उठाया आपने जीरो वाई जेड बिलोंग सच दैट वाई और जेड बिलोंग टू आर, दैट इज एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। देन डब्ल्यू थ्री डज नॉट जनरेटेड बाई यूनिक वे से हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, बट लीनियर सम है v3 ओवर r w1 प्लस w2, सिंस एनी वैक्टर x, y, z बिलोंग टू v3 ओवर r कैन बी रिटन एज इन डिफरेंट वे से। अगर तो यूनिक वे से लिखते तो डायरेक्ट सम फॉर्म कर देता, बट हमें एक से ज़्यादा वे मिल जाएंगे x, y, z को लिखने के, वो नीचे डिफाइन है कि x, y, z इज इक्वल टू x, 3, y बाय 4, कॉमा 0 प्लस 0, y बाय 4, कॉमा z, ठीक। तो वेयर फर्स्ट एलिमेंट w1 से उठाया, सेकंड w2 में से, एक वे तो इस वे से लिख दिया, सेकेंड एक्स वाई जेड को लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बाई थ्री कॉमा जीरो प्लस जीरो टू वाई बाई थ्री जेड। तो फर्स्ट एलिमेंट डब्ल्यू वन से उठाया, सेकेंड डब्ल्यू टू में से, दैट मीन्स हमें दो वे मिल गए। हेयर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस नहीं होंगे। सेम वे से एग्जाम्पल नंबर फोर कि आपके पास इन वैक्टर वी आपको गिवन है टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का, दैट मीन्स फर्स्ट रो के अंदर एक्स वाई, सेकेंड के अंदर जेड डब्ल्यू, सच दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग टू रियल, वेक्टर स्पेस है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स के सेट का। डब्ल्यू वन हमने सबसे सेट उठाया जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट कॉलम जीरो है, सेकेंड कॉलम वाई जीरो, वाई बिलोंग टू रियल, डब्ल्यू टू जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्स जेड है, सेकेंड कॉलम जीरो डब्ल्यू, एक्स वाई एक्स जेड डब्ल्यू बिलोंग टू रियल। अब कोई भी एलिमेंट वी में से उठाएंगे तो किस फॉर्म को, एक्स वाई जेड डब्ल्यू टाइप का बिलोंग टू वी कैन बी रिटन एज ओनली वन वे से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू को कि जीरो वाई जीरो जीरो प्लस एक्स जीरो जेड डब्ल्यू। तो यूनिक वे से लिखा, दैट मीन्स डायरेक्ट सम हो गया डब्ल्यू वन डब्ल्यू को टू का, तो ये इसने फॉर्म किया डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू कम्प्लीमेंट्री सबस्पेस हो गए एक दूसरे की। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सबस्पेसेस, ठीक है, हम दो सबस्पेसेस को डिसजॉइंट सबस्पेसेस तब कहेंगे अगर उनकी इंटरसेक्शन जीरो सबस्पेस आती है, नॉट नॉट जीरो, नॉट नॉन एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, हम कहेंगे डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू की अगर इंटरसेक्शन जीरो सबस्पेस मिलते हैं हमें, जीरो एक सबस्पेस होता है, तब उसे बोलेंगे डिसजॉइंट सबस्पेस। तो एनी टू सबस्पेसेस डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज जीरो स्पेस, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो जो भी आपने किया फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ एग्जाम्पल अबव किया, इलेवेंथ आर्टिकल के अंदर डेफिनेशन के अंदर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आर दोनों डिसजॉइंट सबस्पेसेस मिले हैं हमें कि दोनों की इंटरसेक्शन जीरो सबस्पेस है, तभी हमने डायरेक्ट सम सबस्पेस फॉर्म किया। अगर इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा कुछ और आ जाए, जीरो सबस्पेस नहीं है, तो तब हम डायरेक्ट सम नहीं फॉर्म कर पाएंगे, कम्प्लीमेंट्री सबस्पेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आइडेंटिकल सबस्पेस कि हम दो सबस्पेसेस को आइडेंटिकल सबस्पेस तब कहेंगे अगर उनकी डायमेंशन सेम है, ठीक है। टू वेक्टर स्पेसेस यू ओवर वी ऑफ सेम डायमेंशन आर कॉल्ड आइडेंटिकल इफ ईच इज सबस्पेस ऑफ अदर, ठीक, दैट मीन्स डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दो सबस्पेसेस वेक्टर स्पेस वी के, अगर डब्ल्यू वन सबसेट है डब्ल्यू टू का और डब्ल्यू टू सबसेट है डब्ल्यू वन का, तो हम दोनों को कहेंगे वो आइडेंटिकल सबस्पेसेस हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है डायरेक्ट सम की, कम्प्लीमेंट्री सबस्पेस की, लीनियर सम की, डिसजॉइंट सबस्पेसेस की, आइडेंटिकल सबस्पेसेस की, तो ये करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर नेक्स्ट जो आपकी एग्जांपल्स हैं जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यूजेस होंगे, तो इसे बच्चे बहुत ध्यान से करना। थैंक यू।